तो हेलो दोस्तों, जिस तरह से आपने पिछली वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया है, हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में इतना ही ढेर सारा प्यार देने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए कुछ खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर के टाटा कर्व के बारे में। दोस्तों कर्व के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, किस तरह का इसके अंदर इंजन होने वाला है, क्या माइलेज होने वाला है और क्या इसके अंदर फैसिलिटीज दी जाती है कस्टमर्स के लिए। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। टाटा मोटर्स अपनी मजबूत गाड़ियों के लिए जानी जाती है, जो कि अपनी फेमस कार टाटा कर्व के लिए एक समय खूब जानी जाती थी। टाटा कर्व आज भी कई दिलों पर राज करती है, खासकर साउथ में काफी ज्यादा चलन में रहता है इसका नाम। उसके बाद महिंद्रा की स्कॉर्पियो में टाटा कर्व के पीछे छोड़ दिया है और अब वहीं इसी होड़ में टाटा मोटर्स फिर से अपनी फेमस टाटा कर्व को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी में लग चुकी है। कई मीडिया रिपोर्टों की माने तो टाटा मोटर्स टाटा कर्व को जल्द ही पेश करेगी। क्या शानदार डिजाइन होने वाला है, क्या फीचर्स होने वाले हैं? तो दोस्तों बता दें आपको काफी ज्यादा शानदार डिजाइन के साथ में आपको मिलेगी मार्केट में। और आपको बता दें कार के अंदर लग्जरी लुक देखने के लिए मिल जाता है काफी अच्छा फ्रंट व्यू। और बात करें इंटीरियर पार्ट के साथ साथ बाहरी डिजाइन भी काफी हार्ड मटेरियल का बनाया गया है ताकि इसको काफी अच्छी रेटिंग मिल सके। और वहीं टाटा मोटर्स ने इस कार के अंदर रियर में काफी बदला हुआ लुक दिया है, जो कि अभी तक की किसी भी कार में नहीं है। और टाटा का दावा है कि इस तरह का लुक सभी कारों में दिया जाएगा। और साथ साथ आप वीडियो में देख ही सकते हैं इसका जो बूट स्पेस होने वाला 422 लीटर का होने वाला है, जो कि काफी बड़ा बूट स्पेस माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें टाटा मोटर्स के ब्रांड फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों आपको इसके अंदर 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच का टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, इंफोटेनमेंट सिस्टम और 6 एयरबैग के साथ में लैस की गई है टाटा कर्व को। वहीं दोस्तों इसके अंदर बेजोड़ मजबूत इंजन लगा दिया गया है। जी हां दोस्तों बता दें आपको इसके अंदर 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 125 पीएस की पावर और 225 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट करके देगा। इस इंजन को आप 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। और वहीं बात की जाए कार के माइलेज की, तो दोस्तों इसका जो माइलेज है वो 500 किलोमीटर तक का लगभग रेंज देता है। जहां तक साइज और डायमेंशन की बात करें तो टाटा कर्व की लंबाई 4308 मिलीमीटर, चौड़ाई 1810 मिलीमीटर, ऊंचाई 1630 मिलीमीटर और इसमें 2560 मिलीमीटर का व्हील बेस देखने को मिलेगा, जिससे आप इसकी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो दोस्तों ये अनुमानित कीमत है जो कि 20 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास रखी जाएगी मार्केट के अंदर। और ये कार मार्केट में इस नए साल के अप्रैल महीने में दस्तक दे सकती है। कंपनी इस एसयूवी को लेकर हर साल तकरीबन 4800 यूनिट की बिक्री का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें 12000 यूनिट केवल इलेक्ट्रिक वर्जन में ही होने वाले हैं। और बता दें आपको ये आपको कई कलर ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी, तो मैंने तो देखा तो काफी कमाल की लग रही थी। तो अगर गाइस आपको ये लेनी है तो अप्रैल तक का आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।